theokhlatimes.com में आपका खैर मकदम है। अगर आप ओखला में रहते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा लटकता हुआ तार, हर गली में खंबे से तार लटकता रहता है। अभी तक तो कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन जुलाई 21 की बात है जब एक बस इन्हीं तारों में फंस गई नूरनगर में। जाने फिर क्या हुआ, मोहम्मद फैज़ ने बताया पूरी कहानी। लोगों ने बताया कि कल काम हुआ है इसे फिक्स करने के लिए। फैज़ ने जो बात बताई है इस वीडियो में वो जुलाई 21 की है। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है, ये नूरनगर में इस टाइम में खड़ा हूँ। ये आज दिन में 2:30 बजे बस आई, उसके ऊपर ये तार गिर गए, ऊपर जितने भी उसके ऊपर। बस बड़ी थी इसलिए वो तार उसके ऊपर गिरे रहे, और कोई छोटी गाड़ी होती तो कुछ हादसा हो सकता। लापरवाही देखी जा रही है, पूरे देख लीजिए तार नीचे लटके पड़े हैं, अभी भी आप देख सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इसको काम को जल्द से जल्द सही करवाया जाए। ये देखिए जो बस का रेस्क्यू कर लिया गया, उसके बाद भी जो ये जो खंभा जो रुका हुआ है, इसके जो बॉक्स है इसका क्या नाम है बोरिंग का, उसके वजह से ये रुका पड़ा है खंभा। ये देखिए इस पे करंट है, अब कुछ भी हो सकता है। मैं तो आप ये दिखलाइए तार, देखिए इसके वजह से रुका पड़ा है खंभा पूरा। देखिए मोटी वाली ये केबिल है,